गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना बिहार से स्टाफ नर्स जूली बोल रही हूँ। मेरी ड्यूटी आईसीयू में है और हमारे यहाँ दो कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट भी एडमिट हैं। हम ड्यूटी में हैं लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह का भी कोरोना प्रोटेक्शन किट अवेलेबल नहीं है और जो भी किट है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उससे हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। मैं आपको किट दिखा रही हूँ। ये है हमारा किट जो हमें मिला है। इसकी क्वालिटी जैसी है वो हमें कोरोना से कहीं किसी एंगल से नहीं बचा सकता। अभी पूरे भारत में लॉकडाउन है और हमें एक दूसरे को बचाते हुए काम करना है और इस स्थिति में हमें जो किट अवेलेबल हुआ है वो क्वालिटी आपने खुद देखा, इसलिए मेरा मोदी जी से नम्र निवेदन है और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से भी मेरा नम्र निवेदन है कि हमें अच्छे और कोरोना प्रोटेक्शन किट अवेलेबल कराया जाए, अन्यथा आप बताएं कि हम लोग कैसे ड्यूटी करें, अपनी जान गंवा दें खुद जानते हुए कि हम मरने वाले हैं। इसीलिए प्लीज 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 मेरे इस रिक्वेस्ट को आप लोग सुने। सिर्फ ताली बजाने से हम लोग का मनोबल नहीं बढ़ेगा, ताली बजाने से मनोबल बढ़ता तो हम लोग पेशेंट को छू के अच्छे से केयर करते हैं। यहाँ ताली भी बजाना है, मनोबल भी बढ़ाना है और हमें बचाना भी है। माननीय जी, माननीय मोदी जी, आपने जो भी फंड दिया उस फंड के तहत अगर सामान आ रहा है तो वो सामान कहाँ है? हमें कुछ अवेलेबल नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है जिसे छोड़ के हम लोग अपनी ड्यूटी में हैं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा ड्यूटी है, हम ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिससे हमें सुविधा हो काम करने में। सो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर करें। ये आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि ये वीडियो जल्द से जल्द हमारे माननीय मोदी जी तक, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचे और इसका कोई सॉल्यूशन निकले। सो प्लीज प्लीज शेयर इट।